सुन के मरना होगा। रे लोगों के सुन के मरना होगा। यू जीने खाड़े ओ गे रे अरबन लते काढ़े गावणिया कती उगाड़े हो गे रे साथियों अपनी संस्कृति में सांग होया करते। ऐसी बात नहीं है, रोमांटिक बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो रोमांटिक तक सीमित होनी चाहिए, एक दायरा होना चाहिए उनका। चुटकले गुरुजी माननीय महावीर गुड्डू जी भी कहते हैं, जो मेरा नाना लागा हूं एक मदरियाओ सिंह मलिक, ये भी कहते हैं, और चुटकले और भी चल आ रहे, फर्क है। वो एक काम करता सांग में एक नकली होया करता, थोड़ा बहुत बीच में वो हंसा दिया करता, पर्दा पर्दा कर कार्ड लेकर, लेकिन आज की तरिया नहीं था, आज के है। अरे बुंडी बात बके से बढ़वे, बुंडी बात बके से बढ़वे, माड़ी सी भी शर्म नहीं, बुंडी सुनते घरा चला जा, असली का यो कर्म नहीं, बुंडी सुनते। और लोगों एक मजबूरी और हो रही, अरे स्टेज पर बूंदा बोलर पब्लिक ताड़ी बजावे, अरे सुनने का तो धर्म नहीं, सुनने का तो धर्म नहीं, पर गेल लुंगाड़े हो गे रे। कोई मानस आ जा स्टेज, कई मानसा की गल बन रही है या रोड के करे बेचारा। नरेंद्र डांगी दो रागनी बहुत बढ़िया सुना के गया, उड़ा गाड़ी में बैठे बैठे उसका मन मुंह देखा, जब सुना था नुबला भाई मारा तो हो लिया, उसका मुंह देखा नुबला भाई मारा तो हो लिया, तड़के तही का क्यों कारण है, के कारण है। अरे बुंडी सुन के, बुंडी सुन के अच्छा मानस, बुंडी सुन के अच्छा मानस, सो सो बात बेचार रे, जय मैं अच्छा बोलू ते कदे पब्लिक कल की मारे रे। अरे नाव डूबती कौन उबारे, सपने ध्याड़े हो गे रे, तन लगे अरे मुंह में आई बकदे से, मुंह में आई बकदे से, कोई शर्म ना लोक लाज की रे, दारू पीते दोन बने जा ओ जी शान आज की रे। अरे भारत मां के ताज की सुन लो, भारत मां के ताज की सुन, नू तो घर गतवाड़े हो गे रे, सजनो
दो चार शख्सियत इस हरियाणवी संस्कृति के लिए ऐसे हो। दादा मान सिंह के चेले पंडित लक्ष्मीचंद, उनके शिष्य जाट मेहर सिंह मांगेराम बरोना निवासी, सुसाना निवासी, पंडित जी लक्ष्मी चंद जी जाटी निवासी, क्या है कभी नाम ना पाओ इस हालत तो न्यूए चले गए ना सब के मड़िया मेट हो जाएगा, क्यों कर हो जाएगा। आजाद सिंह, आजाद सिंह खांडे आले ने, आजाद सिंह खांडे आले ने, बड़ी क्या झगड़ा जोना रहे, जो है हाल रहा ते एक दिन सबने होगा रोना रे। अरे ना जाती ना रहे बरोना, चनुए पुवाड़े हो गए रे, हुकूमत का दबदबा था। एक दिन सांझ के अखबार में छपी कि अंग्रेजी हुकूमत थर्राई, क्यों? उसका एक कारण था, उस समय मर्द होया करते लोगों, किसे मर्द थे वो? भगत सिंह अपने साथियों ने लेके और जड़ा उनकी बैठक छोड़ पहुंच गया, क्यों कर थर्राए अंग्रेज एक बात के द्वारा, कैसे क्या बताया वाला नौजवानों सुनना, इसे मर्द होया करते। न्यू बोला रे थर थरी कापे थे अंग्रेज, बाजे में छोड़ के कुर्सी मेज, रथर थर कापे थे अंग्रेज, बाजे छोड़ के कुर्सी मेज, थर थर कापे जब ललकारा रे, भगत सिंह ने असेंबली में गोला मारा रे, और भी बहुत गणे थे, लेकिन उस तय क्यों थर्राए, कारण था वो मर्द असली था, कैसे क्या बता वाला। वीर सूरमा नामी न किसे तमूल डरे था, मारने और मरण में बोतल कुल तैयार थरे थरे, भरे था भरे था भरे था दूना दूना जोश ना था, बैठनिया था मोस, भरे था दूना दुश्मन खूब सुधारा रे, जब भगत सिंह ने असेंबली में संध्योस में दिमाग कितना था, ताकत से ज्यादा दिमाग था उस शेर के अंदर, क्योंकि
जे किसी की जान लेना चाहे तो एक की नहीं, जितने उस सभा में बैठे थे सबकी जान लेता हूं। लेकिन ये बताने आया था, राम भी बहा सकता है, हम भी बहा सकते हैं। अरे ये देश हमारा, इस देश को छोड़ दो, ये बताने आए हैं ना, तो खून हम भी बहा जानते हैं। एक काम सोच का आया था दूसरे नंबर पर, वो काम करने की सलाह करते हैं और उनकी हिम्मत देख देख टूकर खलबली मची हो रहा है। चोकर दे जान लगा के एक जगह देख ली खाली, फिर जो सोच के आए थे वो काम करने की साली रे, रलाली 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 जड़ की सब कोरा की कीमत देख देख छोरा की लाली, अपना वक्त बेचारा रे भगत सिंह ने संभली में तोड़ा मारा रे, भगत सिंह ने संभली में तोड़ा मारा रे, बुजुर्गो नौजवान साथियों, ये बूढ़े नुकार लठाई में गुगा दुख है, याद उनका भी आया भीड़ पर जब मानस पे फेर नुगा, हे भगवान बचा ले, हम भगवान ने याद करें, याद उनका भी आया, कौन याद करे और क्यों करे जब बाजर पड़ी। उसने अंग्रेज मारना चाहा रे, बस जान आखेरी पे डर के वो चेतावन था आया रे, रठाया 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 तू माचारो और मर के माचा सोर खाया तू माचारो, ओ माय गॉड पुकारा रे जब भगत सिंह ने संभली में सके था, लेकिन अपने देश के लिए क्रांति के फूस के देर में एक चिंगारी दिखा के कहा चला गया और पूरे भारत ने खुशी मनाई थी उस दिन। कैसे क्या कह नंबर चार पर बोला, आजाद सिंह सब जाने भारत की आत्मा खेल गई, तूने अंग्रेज के खोप देख के शांति सी मिल गई रे, रगल की फेर हथ कड़ी गुरु और सुखदेव के साथी, रगल की फेर हथ करी आज राज गुरु और सुखदेव के साथ, रगल की खपा दिया शेर हमारा रे भगत सिंह ने असेंबली में मारा मारा,
देश आया, तीसरे ने की सर चौथे ने तोड़ा पाड़ दिया। कैसे चारों अंडे बतलाते और क्या कहा क्या बता भला। रांडे चारे सुने बतलाते रांडे चार सुने बतलाते मने जोड़ पे भाई और राजा 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 खिंड जा सपने में मेरा नहीं शोर पे भाई और राजा खिंड जा सपने कसूता चाला पटिया अब भाई फिर के होया फिर तो बिलिया बड़े बड़े बल्लभ से मोड़ के ऊपर हर भाई तो तेल टकरे दे गई मेरे साले जे किता किता जब जा पड़े पहले रंडे का कैसा सपना नवाज भाई अरे एक बोला भाई सपने के मां एक बोला भाई सपने के मां दया के लेकर रास्ता पक्की कर गे बवण डगर गे बारोठी बजूत बाज गया बारोठी बजूत लठ लगे मोर पे वही और राजा खंडिया सुपने सपना आया तने क्या भाई मैं तो उड़ा चला गया नहीं बोला तने के कुछ भी ना आया मेरा सपना सुने मैं तो भारत में भी ना रहा मैं तो ब्याह के चक्कर में अमरीका चला गया और उड़ा मैंने देखा प्यो चौथ उड़ा तो बेटी चौथ का जी सा आ गया कति दौड़ी जिनकी पिंडी भी दौड़ी और भाई मैं तो देख देख कौन और डाड़का हो गया और जब वह मेरी आंख उगड़ी ना जब नाश हो गया किसा गया कैसे चला गया एक बोला भाई सपने के मां एक बोला भाई सपने के मां चला गया अमरीका और फिर उड़ा क्या होया उड़ा जानते कति न्यू ईसी आ गई जिसका मेरा कोड़ी भरी गई एक मोला भाई सपने के एक मोला चला गया अमरीका अंग्रेज जनते दब हो गया ये लाना था चीका खुली जब दीक्षा रे जरा आके खुली जब दीक्षा जरा ऊंच रोड पे भाई और राज खंड का सुपने और जो तीसरा रंडा था वो न्यूकल ना गया रहा किसा भी सूचना बैठा मैं अपने गांव के गांव में मैंने तो एक काम करया कुन सा अकमत छोरे उनकी दवाई देन लग गया मेरे द्वारा लोग आई आवे हर भाई संत बनिया बैठा जी सारा
ईसा संत बन गया जीसा रामपाल करोथे आला बनया था। अरे भाई किसे ने किसी दवाई दू किसे ने किसी दू। अरे भाई जो गणी बिगड़कारी हो उसने एक बोला भाई सपने के मां एक बोला भाई सपने के मां खूब लिए मन जी से संत भकाई गाड़ी ना लगाई गले दे थी पीछे नुकसान होगा। फिर किस्मत फूट गई पीछे पैसे सारे दबे के दबाए रह गए सब टाइम ठा ले गए। एक दिन रह तो पुलिस की रबड़ गई पुलिस की पड़ी कर्म घोर पे भाई और राज इंडिया सपने में। और चौथा दिनवा के सुनकर न्यू कर लग गया छोड़ो तुमने किसा भी ना आया जो मुन्ना आया ना वो कसूता आया। अब भाई किसा आया जनू ते मारे गांव के जितने बैर रखे थे ना सारे मर गए मरे पाछा मेरा तो जी सा जा जितनी बहू थी ना सारी मेरे दोराई हरान कन्नू कन लागी तो रखनी पड़ाई। मने सोची तेरी बाण खाई मरा यू तो गणा बुड्ढा रे उड़ आ गया मैं पदमा लग गया संगवान एक उनमा अकली जीवन नू कन लागी बाजेगा नू कन ते मैं बोले बाबा जूंगा के बाज लिया गणाए सौदा देखे पाछा मेरा जी सा गया मैं छटू किया चाहिए किया चाहिए अक्सरिया न रखू। फिर चौथी कली का जो सपना था उसका कैसा बताया भला राम गोपाल कलोई रया सपने में जुलम गुजर गए मैं बच गया और हमारे गांव के तो मायारे मर गए सारी बहू लाग ली रे पछे सारी बहू लाग ली रे पछ लग्या गोर में भाई और राजा गाने ने बड़ी धूम मचा रखी है जड़ा देखा हुए यू ही चलता पावे आज आज तू मार ले छुट्टी आनंद कर दू काया रंग तुम बैठ बलरो में सब असल के ही खातर ले संसार नहीं हे वे कम पन लाज कम पन लाज यहाँ तक पन मतलब के मतलब कोई यार नहीं सकन इसके सक पन आशक पन संसार नहीं मतलब के मतलब कोई यार नहीं रस बन इसके शक बन आशक आशक बन संसार नहीं। मानस के पास से करोड़ रुपए हो लेकिन जब तक दान नहीं करेगा उसके धन की कोई कीमत नहीं। एक आधा मानस देखा होगा गामा में ऊंटे करोड़पति पड़िया रहे पर उसके बारे ना गकुत्ता भी ना बैठे
कुत्ते को पता है करवटी को ना गेरे कपाल में लठ मारेगा। क्या कहा पहली बात में, फिर ये धन बिन दान, धन बिन दान, दान बिन दाता, दाता बिन दर सुना हो, रण बिन सूरा, सूरे बिन तेका, तेके बिन कर सुना हो, तप बिन कर्मे, करम बिन किस्मत, किस्मत बिन नर सुना हो, सत बिन मर्दे, मर्द बिन तरिया, तरिया बिन घर सुना हो, सत बिन मर्दे, फल पिन आस, फल पिन आस, आस पिन तृष्णा, तृष्णा पिन तकरार नहीं, रस पिन इश्क, इश्क पिन आशक, आशक पिन संसार नहीं। पवन बिन बादल, बादल बिन बरसात नहीं, मन बिन मेल, मेल बिन प्यारा, प्यारे बिन तो बात नहीं, छल बिन द्वेष, द्वेष बिन कातल, कातल बिन अपघात नहीं, जर बिन जार, जार बिन जारी, जारी बिन ते पात नहीं, जर बिन जार, हेरे हट बिन हार, हट बिन हार, हार बिन हानी, हानी बिन सियार नहीं, रस बिन इश्क, इश्क बिन आशक, आशक बिन संसार नहीं। रैन, रैन बिन तारे, तारिया बिन धन सुना हो, रुत बिन गुल और, गुल बिन बुलबुल, बिन बुलबुल गुलशन सुना हो, मोह बिन मेर, मेहर बिन ममता, ममता बिन मन सुना हो, रंग बिन रूप, रूप बिन जोबन, जोबन बिन तन सुना हो, दुख बिन दर्दी, दुख बिन दर्दी, दर्द बिन दुखिया, दुखिया बिन पुकार नहीं, रस बिन इश्क, इश्क बिन आशक, आशक बिन अभिमान नहीं, बहु बिन भक्ति, भगत बिन भक्ति, भक्ति बिन कल्याण नहीं, गुण बिन कदरी, कदर बिन शोभा, शोभा बिन इंसान नहीं, सुर बिन साज, साज बिन गाना, गाने बिन तुकतान नहीं, आपस
में जान माल की सत लग जाती है और वो शेर खान उस सौमति के सत को तोड़ने के लिए एक वैशाओं के मोहल्ले में पहुंचता है। एक तारा नाम की दूती को आवाज लगाई और दूती नीचे आती है। शेर खान ने कहा यहां पर एक सौमति नाम की छत्राणी रहती है। वह दूतियों के लगी सहज बोलिए नार ने तार देंगे क्या क्या थे कर खामो सोच कर जल में डूबेगा बिन पानी नाम लेंग से धरती लर्जा वरज पुता गिरा। लेकिन उस शेर खान ने ज्यादा रिश्वत दे दी। वह दूतियों के लगी मैं कोशिश करके देखूं और चाप संघ की बुआ बढ़ के उस चाप संघ की सौमति के पास में जाकर उग जाती है। एक दिन स्नान करते हुए सौमति के बाई जांग में तल का निशान देखा बहुत खुश होती है। सुबह उठ कर न्यू कर लगी बेटी चलती हूँ मेरे लड़के की शादी है और चलती चलती चाप संघ की पटका और कटार भी लेके चली जाकर शेर खान को सौंप दी। बहुत खुश होता है। शेर खान ने उस पटका और कटार को दरबारों में पेश किया। कुछ बुद्धिजीवी इंसान कहने लगे महाराज ये तो चुरा कर भी लाई जा सकती। शेर खान ने कहा कि असल बात है चाप संघ की छत्राणी के बाई जांग में तल का निशान है। जब तल के निशान का जकर सुना तो चाप संघ की गर्दन झुक जाती है हार कबूल कर लेता और फांसी का हुक्म सुनाया। नोबला भाई आखिरी ख्वाहिश बता दे चाप सिंह क्या है। नोबला एक बार उस डांड के दर्शन करना चाहता हूँ जिसकी वजह से मेरे को फांसी हुई। उन सिपाहियों के साथ अपने नौगढ़ महल में महल के द्वार पर पहुंचा। सौमति के हाथ मारते का थाल था उसको देख के राजपूत की आंखें लाल हो जाती है और एक बात के द्वारा क्या कहता है क्या ताना मारता क्या कहा सोने सोमवती बेईमानी तेरा आशक शेर खाने सोने सोमवती बेईमान तेरा आशक शेर खान धरती में गज प्यारे जब चल का सुना निशान और सच बता दे तेरे धोरे हो कदन डट ग्यारे किस फूटे है मुते बोल तेरा बदनामी का ढोल जो सारे पट ग्यारे कर दी जोन से आजकल लागू है कि अपने ब्याहे पति का कोई प्यार नहीं कहां पर प्यार रहा क्या बता यार खसम ते प्यारा हो से न्यू मेरे जचगी मेरे जचगी सो गर्दे रजपूता में खून तेरी मचगी रे शेरे खाने की बनकन प्यारी ब्याहे के गले पे करती कटारी काली काली यार के धोरे रे के तेरा जो बन छत क्या रे इस फुले तेरा बदनामी का ढोल जो सारे पिट क्या रे नौकरलागर साझा के दरबार में सबसे कम उम्र का सेनापति था। छाती के बटन खोल के चला कर लेकिन आज स्त्री के करवा दी दरबारों में। और भाई वह सौमति तो ठीक थी आजकल और रोड़ा जाग रहा है क्यों खात का खाना हो गया। वीरबानी इतनी कड़ाक रहे मानस का जी ने
जो पौवा पींदा हो तो टेंशन मत दे पा जा, जैम दाप दा पींदा हो तो बोतल बजा पोते, गरा खास करन लाग जा तो बार ज्यादा पीओगा, फिर पी के मन मन बस डे बोलो क्या रे। एक युवा पीरबानी में नारा उड़ा करिया कर दी, वो खेर या था रोलन ने। एक दिन वह उस गल लड़ी वो बार लकड़िया गाल में लकड़िया तो देखा एक अर्थी आन लाग रही, उगे पाछा पाछा 50-40 मानस अरा गा के कुत्तर कुत्ते के माड़ा गाल रखी। वो कह लगा बोला के सौदा भाई, नवले एक लगवाई मर रही है, नवला लगवाई तो मर रही है पर कुत्ते का माड़ा क्या दगाल रहे हो, नवलाई कुत्ते ने पाड़ी थी। बोला कुत्ता ने इसने पाड़ी थी, अबीरबानी जो मर रही दिमाग महा के या कुत्ता ले चाली उपड़वानी हपड़ाली भी। उनकी गल गल हो लिया, उन कंधिया का सारा लाग के नवला भाई साहब पीछे कितने लाग जाए कुत्ता दे दो। नवला बात सुन ले, कुत्ता लेना है कि हाँ? बोला सारे ना पत्थर लेने में लागे ले, बोला दाग दबानी को ना कुत्ता लेना रे सारे। देखा दी बीरबानी इतनी कड़ाह कर दे, दूसरी बात में क्या समझाता है और क्या कहता है। कारण मेरी हुई बदनामी, नात कुण बोलिया था मेरे रशामी, नात कुण मेरे रशामी, हंसी हो कल जीना मुश्किल, ऊपर ने सर ना खाया था दर्दे कटकारे, फूटे है मुँह बोल तेरा बदनामी का ढोल, जो सारे पिट गया रे सुन सोमवती रे मान, तेरा आशक के शेर खाने घर से चलिया। जब तूनू कहती बेसिक जा सास ससुर और नणंद पति ये जगह समझती तुमने, मैं पतिवर्ता नार सदन जानू सु धर्म कसम ने, क्या तेरा यही पतिवर्तापन है, क्या कहा तीसरी बात में क्या बता पा। पतिवर्ता का बैरण झूठा डोमरा तैयार है, तैयार है मेरे पाछे ते तन यार बुलाया रे हो, मोदी करी रे तने छेद बिछाई, ब्याहे के गले में फांसी घलाई, खुली करिए मन की करिए, रजपूता का दरबारा में आदर घटिया रे, इस फुटे मुँह बोल तेरा बदनामी का ढोल, जो सारे पिट गया रे सुन सोमवती रे। शेर खान की कैला दान तले कर लिया मुकाबा, शेर खान की कैला दान तले कर लिया मुकाबा,
राम कवार चला इबदुए आला हो खाने तान की इज्जत खाके मिलाई बालक सन मुरली आला करेगा सहाई सुन के बोलता उलता हथियारे इस फूटे मुते वो जेला बदनामी गाढ़ो जो सारे पिट ग्यारे सुन सोने वती अखर काना हीर को लेकर चला जाता रांझे को पता चला कि तेरी हीर जा चुकी वहां से चला रास्ते में सूरजनाथ बाबा जी मिले बाबा जी से कहने लगे कि महाराज कान पाड़ ले नवलारा इतना सुंदर नौजवान है तुम कान क्यों पड़वाना चाहता नवला महाराज खटक में बाबा जी ने कान पाड़ दिए कुछ समय वहां पर रुकया आस्की का रोग था रुकया नहीं गया वहां से भी चला रस्ते में कुछ पनियारियां पानी भर रही थी उन कह लगा पनियारियों पानी पिया दो नवली बाबा तसाता ना लगता दो एक घूंट भर के ने जो सच्चा इंसान होता है वही सच्चा आशिक बन सकता है झूठ बोलने सच्चा आशिक भी ना पावे दो एक घूंट भर के पनियारिया थी बतान लग गया कि पनियारियों सच कह रही थी मत तसात हो जाए बोला फिर यू बाणा ककर होया उन पनियारियों को बताता है और क्या कहता ओ हेरी री लगाइयो साला हो गया मेरी री जान का गाला हो गया काला हो गया कान पड़ा दिए कपड़े रंग लिए कान पड़ा दिए कपड़े रंग लिए ढंग मेरा साधु आला हो गया तेरी रीलो भाइयो काला हो गया तेरी जान का काला हो गया कान पड़ा दिए मेरा बना की उल्लू काटका सत हजार थका में थाटका मेरा बना की उल्लू काटका रोक दिया यो थोड़ा दांत का रोक दिया यो थोड़ा दांत का मेरी री खांड का राला हो जा मेरी री लगाइयो काला हो जा मेरी जान का काला हो जा कपड़े रंग लिए ढंग मेरा साधु आला हो जा तेरी रीलो कहियो साला हो जा मेरी जान का काला हो जा मैडम नीलम चौधरी 100 रुपए से
पार्टी का मान सम्मान करते ही बार बार धन्यवाद दिया जाता। नवली बाबा बहुत सुतरा है, नवली सुतरा कोन्या, इससे पहले और भी सुतरा था, फिर क्या होया, क्या कहा? कदे तो था मेरा पढ़ियारी तोहरा छैल गाबरू चिकना था छोरा, चिकना था छोरा, कदे तो था यो रंग बिगोरा, कदे तो था यो रंग बिगोरा, तू मेरे ते आज काला हो गया, हेरी लोकयो काला हो गया, मेरी जान का काला हो गया, कल पड़ा दिए कपड़े रंग लिए, कपड़े रंग लिए योग मैडम सरिता चौधरी टोकर बिगड़िया प्यार चंबोचाली पीर मारगी दुख दे दिल पे तीर मारगी चंबोचाली पीर मारगी मारगी मन नमानी हीर मारगी मन नमानी हीर मारगी कमे ओपट मल सारा हो गया तेरी लोकायो सारा हो गया जान का सारा हो गया मन पड़ा दिए कपड़े रंग लिए कपड़े रंग लिए ढंग मेरा साधु सारा हो गया तेरी लोकायो गुरु कह सारे नत सतगुरु के पांच सत्कारे पांच सत्कारे धर्मवीर के सांक बारे धर्मवीर के सांक बारे मुनरी कावड़ का ठाला हो गया तेरी लोकायो ठाला हो गया जान का ठाला हो गया सब बना लिए कपड़े रंग लिए एक रागनी के द्वारा चौधरी देवी लाल की कैसे प्रशंसा करी कवि ने, क्या चीज थी वो, क्या कहा, क्या बताया भला। ए देवी लाल तेरा नाम अमर हो
तक धरती है आका। जन नायक तन याद करेंगे ठहरे त्योर बारा कर गया था वो अपने इस जीवन में जो आज बुढ़िया की कीमत हो रही। पेंशन उस समय बनाई थी जिनके कारण ये बुजुर्ग आदमी आज बैठ कर अपना आराम से रोटी खा रहे। पहली कली में कैसे दर्शाया भला हेरा करी बोढ़ापा पेंशन लगू करी अरे कितना बढ़िया काम करा गरीब किसानों के सथी मुनिया के मनाम करा दुनिया के मां नाम करा हे स्वर्गपुरी में कर जाया जन नायक तन याद करेंगे खैर तू और बारा मां ये मेरे भाई साहब आज के होनहार कवि आजाद खांडा खेड़ी खुश होकर इस भजन पे सौ रुपए से मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज के संयोजक कर्ता भाई रमेश मलिक साहब खुश होकर प्रधान नई सब्जी मंडी 500 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का धन्यवाद। कैसे रचना कर दी ये मेरे भाई साहब बलजीत निवेदक अरे 24 घंटे दिया करा था 24 घंटे दिया करा था जनता ने बिजली पानी अरे सड़क बनाई चौगर देख कम की चादर पानी बोल में बहुत कसूतर रसीला काम होया करता। जब वो बोला करता तो न्यू जितनी सभा थी वो चुप हो जाया करते रहे एकदम न्यू कांत जुटो रहे चौधरी साहब बोल रहे कितनी नरमाई होया करती हेरे बोला करता मीठी वाणी अरे पूरी करता सबकी जन नायक तन याद करेंगे खैर तू और बारा हर लोक लाज चल रोक राज से यही आपका नारा था चप्या तक्का खर्चा देख कन्न गरीब उभारा था अरे सबका काम समारा था कोई भी ना रहा उदास
चन नायक तन याद करेंगे खैर दूर बारा मान कुमार जुए वाले आपके समक्ष बैठे इनकी यह कविता आई थी हे राम कुमार कह जुए यारा वो स्वर्गपुरी ने कर जावा जन नायक तन याद करेंगे खैर तुरे बारा मां चौधरी साहब का भजन था पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ले रखा गुम्मा जात ने तरहानी हो गया वो भी ठीक पाया कड़ी नहीं फंसे रहा बड़ी मुश्किल में आया थानेदार यार कड़ी नहीं फंसे सारे कागजात ठीक ले रहा कल अगर राम को रोड टैक्स भरा क्या अखान जी जी हो गया रोड टैक्स भी वो भी ठीक पाया कल का हवलदार अखान जनाब इसकी सड़क की बैक बत्ती देख कला ला रहा ब्रेक लाई ब्रेक दोनों जलेगी कला जनाब दोनों जले कला का हेडलाइट देख वह भी दोनों जलेगी कला जनाब दोनों जले थानेदार सोची सारे कागजात ठीक है कड़ा फंसा बड़ी मुश्किल है कला ₹500 काट दे कला जनाब ₹500 किस बात के जी मैं सारे कागजात ठीक ले रहा मेरी गलती तो बता दो ये है कला का उल्लू के पट्टे तुम गलती 6 महीने नहीं करेगा हम 6 महीने तक तेरी खातर अड़िए खड़े रहेंगे